अरे हट जाओ, अरे शिट 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 शिट, भाग भाग भाग, पूरे मिल के हमला कर रहे, भाग। अरे दाई दाई, पहाड़ी पर चढ़ चढ़, पहाड़ी पर, मार देंगे ये लोग तेरे को। बट कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, तुम्हें एक चीज बता, इन्वेंटरी में आ जाओ, इन्वेंटरी में आ जाओ, इन्वेंटरी में आ जाओ, मार 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 उसको मार। अरे ये यार ये क्या इंटेंस फाइट हो गई, मेरे रैंक्स को खत्म ना कर दे। अरे शिट, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। अभी मैं जा रहा हूँ दोनों के दोनों टीरेक्सेस को टेम करने के लिए, क्योंकि इस मैप के अंदर टीरेक्स मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और दो टीरेक्स अपने को दिख चुके हैं, एक की लेवल है 160, दूसरे की है 220। उनको टेम करने के बाद में थोड़ी बहुत उनकी लेवल बढ़ जाएगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मैंने गेम की सेटिंग्स को दोबारा से ओरिजिनल कर लिया हूँ, क्योंकि मेरे को ना गेम ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा ईजी हो गया है, तो हर एक चीज़ मतलब टेमिंग भी ईजी हो जा रही थी और हर एक चीज़ ईजी हो जा रही थी, रिसोर्सेज आसानी से मिल रहे थे, इसीलिए मैंने गेम की सेटिंग को दोबारा से ओरिजिनल कर लिया हूँ। सिर्फ मैंने एक ही चीज़ बढ़ा कर रखा हूँ, वो है वेट, क्योंकि वेट अगर कम होता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा ही ग्राइंड करना पड़ता, छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी बहुत घंटे लग जाते हैं, इसीलिए मैंने डायनासोर का भी और अपना भी वेट दोबारा से बढ़ा रखा हूँ। अपने ज्वाला की ना हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, तो अभी हेल्थ इसकी रिकवर हो गई है, मैंने पूरा का पूरा खाना इसकी इन्वेंट्री के अंदर रख दिया, तो हर एक चीज़ सेट है। मैं सोच रहा हूँ ना कि क्रॉसबो से तो हम उसे टेम नहीं करेंगे, क्योंकि क्रॉसबो से टेम करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे एक काम करते, चलो मेरे पास में 80 एरोज है, हम ऐसे ही चलते जाकर ना टीरेक्स को बस एक दो बुलेट मार के चेक करेंगे कि कितना उसका टॉर्पर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जो भी हो रहा है, एक बार ना ये ट्रैंक एरोज के साथ में ही हम टेस्ट करके चेक करते हैं। और तुमने अभी तक अगर लाइक का बटन नहीं दबाया ना तो एपिसोड देख लो, एंजॉय करोगे, तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दोनों दबा देना, ठीक है, लेट्स गो। कहा गया मेरा मुन्ना टीरेक्स, वेयर आर यू, यहाँ पर तो था कुछ टाइम पहले, कहा गया वो, नहीं इधर, ये मौसम स्पाई ग्लास को पहले कर लेता हूँ ऑन, ठीक है, अब हम टेस्ट करेंगे इसके ऊपर कुछ बुलेट्स। देख लिया तूने मेरे को, रुक जा मैं कोई पत्थर के ऊपर बैठ जाता हूँ। इस मैप में ना टीरेक्सेस बहुत कम मिल रहे हैं, लास्ट एपिसोड में अपने को दो मिले थे, वो भी दूसरे किसी बायोम के अंदर थे और वो भी काफी ज्यादा कम लेवल के थे। तेरा टॉर्पर चलो बढ़ तो रहा है, बट 35 ही टॉर्पर हिट हो रहा है, पहले ना एक दो बुलेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पीड से टॉर्पर बढ़ रहा था, अब सेटिंग ओरिजिनल करने के बाद में सारी चीज़ें दोबारा से ओरिजिनल हो चुकी है, तो मेरे को वो बुलेट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्रॉसबो से मारता रहूँगा ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलो घर चलते हैं, और अभी ना अपने को बहुत सारे जेनेसिस 2 के मिशंस भी कंप्लीट करने हैं, जिससे नए नए डायनासोर्स को ना हम फिर टीम कर पाएंगे, उनकी चीज़ें अनलॉक हो जाएगी, बट उसके लिए अपने को हेक्सागन लगेगा, हेक्सागन के लिए भी अपने को मिशंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रही अपनी स्मृति, अपने को स्नाइपर राइफल चाहिए होगा, जो कि बनेगा, वुड तो है, हाइट भी है, इंगर्ड भी है, ठीक है, पूरी की पूरी चीज़ें अगर मैं यहाँ पर पुल कर लूँगा तो यस, एक गन से तो काम नहीं होने वाला, अपने को दो गन की ज़रूरत होगी, इंगट वगैरह हर एक चीज़ हमारे पास में भरपूर पड़ी हुई है, तो उसका टेंशन नहीं है। जो मेरे पास में क्रॉसबो है तो उसको क्या करूँ, उसको इन्वेंट्री के अंदर ही रहने देते हैं, इन्वेंट्री के अंदर अपने अनलिमिटेड जगह होती है, स्पीयर को भी हटा देता हूँ, ताइला कोलियो को ऑलरेडी मैंने इन्वेंट्री के अंदर रखा हूँ, मतलब पहले से मैंने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी कर ली हूँ। और रही बात बेस की, बेस का भी काम हो जाएगा, बट अभी बेस का काम नहीं कर रहा, पहले जो इंपॉर्टेंट काम है ना वो हम कर लेते, क्योंकि एक बार अगर टीरेक्स डिस्पॉन हो गया तो उसके बाद में अपने को नहीं मिलेगा वो, और मैं तो गीगा की तलाश में हूँ, गीगा भी अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया काम होगा, बट अभी तक मेरे को पूरे मैप के अंदर एक बार भी गीगा नहीं दिखा, क्योंकि गीगा बहुत ज़्यादा ही रेयर होते हैं। ये आ गई इन्वेंट्री में राइफल, बुलेट, गन पाउडर और इंगट चाहिए होगा। अब गन पाउडर और इंगट के लिए, वैसे एक सेकेंड, राइफल तो मैंने बना लिया हूँ, ट्रैंकुलाइजर डार्ट बनाने के लिए नार्कोटिक, इंगट और राइफल लगेगा, पहले अपने को राइफल एमओ बनाना पड़ेगा। मेरे पास में गन पाउडर वैसे है कितना, एक बार चेक करता हूँ, मोर्टार पिस्टल में तो गन पाउडर है नहीं, यहाँ पर गन पाउडर बनता है क्या, आई गेस इसके अंदर तो गन पाउडर नहीं बनता, तो गन पाउडर बनाने के लिए अपने को चारकोल लगेगा और स्पार्क पाउडर लगेगा, स्पार्क पाउडर बनता है स्टोन और फ्लिंट से, 29 बन रहे, तो चलो ठीक है,
ये बना लेते हैं, दो दो चार चार करके बन रहे, अच्छे खासे बन रहे हैं। मेरे पास में चारकोल ना यहाँ पर बहुत सारा पड़ा हुआ है, इसमें से पूरा का पूरा चारकोल उठा लेता हूँ, क्योंकि मैंने संभाल कर रखा था। मेरे को पता था हर एक चीज़ आग सर्वाइवल गेम के अंदर ना काम में ही आती है मेरे पास। बट अब ना ऑलमोस्ट इंगट्स खत्म हो गए, इधर 100 और पड़ा हुआ है। वेरी नाइस वेरी नाइस। इधर कितना है? 40 40। चलो बहुत सारा हमारे पास में चारकोल पाउडर आ गया है, चारकोल से तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। कितना गन पाउडर बनेगा इससे? 58 गन पाउडर बन रहा है, वेरी नाइस, बहुत ज़्यादा बन रहा है। चलो इसके अंदर अच्छा खासा काम हो जाएगा। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा स्टोन फ्लिंट और निकाल कर लाता हूँ, ताकि मैं स्पार्क पाउडर और बना सकूँ। यार ये लोग बड़ी दिक्कत कर रहे हैं ट्राइक व्राइक का, मैं थोड़ा सा ना काम कर देता हूँ। ये देखो देखो देखो, ये ट्राइक को देखो, पता नहीं कहाँ घूम रहा है। मेरे मुन्ना तू बिठा ले मेरे को अपनी इन्वेंट्री पर, जरा से ये ट्राइक की लड़ाई करनी है। मारो मार, अरे मारो उसको, मारो तीनों मिलकर मारो, रैक्स वैक्स सब आके उसको छेद दो। तेरी ऐसी कितनी तो मारो बे, अरे मारो ते मार, तेरी ऐसी कितनी सी मार। मैं 30-30 का डैमेज दे रहा हूँ, ये तो सेटिंग्स बहुत ज़्यादा ही ओरिजिनल हो गई है भाई। भाई मारो, अरे खत्म हो जाएगा पूरे, खत्म करो उसको, मेरे मेरिंग खत्म हो जाएंगे। अरे भाई मेरे मेविंग की हालत देख रहे हो, मेविंग की तो पूरी बैंड बच गई थी ऑलमोस्ट। ले तेरी 2000 हेल्थ कर देता हूँ मैं, और तेरा 1 मिली डैमेज बढ़ा देता हूँ भाई। ले 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 ले, इन्वेंट्री के अंदर बेरीज खाता है ना तू, ले ले रख जो भी है तेरी इन्वेंट्री के अंदर खा। सेटिंग कुछ ज़्यादा ही ओरिजिनल हो चुकी है, इसको मेरे को दोबारा से बैठ कर छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। ये लोग सारे के सारे ना अभी शहीद हो जाते, पूरे ख़त्म हो जाते मेरे टीरेक्स को। क्या हाल हुआ है, मेविंग कूटा गया है बीच में। बाकी ये लोग को इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। चलो 8000 9000 तेरी हेल्थ कर देता हूँ, 9500। हाँ कितना बेरीज वेरीज मिल रहे, चलो जो भी बेरीज मिल रही है पूरी इसके इन्वेंट्री में डाल कर रख देता हूँ। कम से कम खाता पीता तो रहेगा, जिंदा तो रहेगा, जिंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाता पीता रहे तू, टेंशन मत ले, मालिक है इधर भाई। क्या ही खतरनाक काम हो गया था अभी हमारा, स्टोन फ्लिंट सारी चीज़ें एड पत्थर, ये मैंने तोड़ दिया था, ये दोबारा से रिस्पॉन हुए अपने पास में। ये सेटिंग्स कुछ ज़्यादा ही ओरिजिनल हो चुकी है, मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसके बारे में। कुछ ज़्यादा ही ओरिजिनल हो गई, इतना भी ओरिजिनल नहीं चाहिए अपने को। इसको थोड़ा बनने देता हूँ और स्टार्ट कर देंगे। एक काम कर दो, पहले चारकोल नहीं स्पार्क पाउडर ले लिया, बट अब बुलेट्स भी तो बनाना है, बुलेट्स के लिए लगेगी इंगट। अरे यार ये बहुत ज़्यादा खिचड़ी होती है यार ये चीज़ें। राइफल बुलेट ड्रैग हो जाओ, बहुत सारा ड्रैग हो जाओ, नहीं है क्या? और एक ही बताओ, एक ही बुलेट बन, दो ही बुलेट बनी है इसके अंदर, दो बुलेट के अंदर क्या ही कर लूँगा मैं। इंगट्स तो हो गए ना यहाँ पर बहुत सारे, या नहीं है? अरे इंगट कहाँ गए सारे? 6 इंगट इधर पड़े हुए। इंगट्स क्या मेरे पास में सारे नहीं? इधर 64 है, मेरी बैंड बच जाती है। अभी मेरा एक भी मेविंग मर जाता ना, तो वो जो हमारा प्रोडक्शन करने का जो प्लान था पहले, बहुत सारे मेविंग और बहुत सारे रेक्सेस, बहुत सारे रैप्टर्स, ये सब का प्लान चौपट हो जाता भाई। अब तो बन जाएगी ना, अब तो 3 ही बुलेट बन रही है, क्यों ऐसे इतने सारा? तो मैंने इंगट रख दिया ना यहाँ पर, 8 बुलेट बनी है, किस चीज़ की? गन पाउडर की कमी हो रही है। देखो 66 और गन पाउडर बन रहा है, स्टोन तो होना ही चाहिए मेरे पास में। सारे स्टोन ख़त्म हो गए क्या? नहीं, 100 200 300 स्टोन्स है हमारे पास में अभी, 300 स्टोन सफिशेंट है। बट स्टिल ना अपने को कम से कम 100 बुलेट तो लगेगी, 100 बुलेट के अंदर तो काम नहीं होने वाला, 100 तो अपने को लेकर ही चलना पड़ेगा। अच्छा वो क्रॉसबो मैंने इन्वेंट्री के अंदर ही रहने दिया। यार ये वाली क्रॉसबो तो नहीं, ख़राब नहीं हो रही ना अभी, चलो ठीक है। पता चले क्रॉसबो भी ख़राब हो जाए बीच जंग के मैदान में, तो फिर हो गया अपना काम। वैसे मैं एक ही टीरेक्स को बताऊंगा टेम करते हुए, दोनों टीरेक्स को नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोनों का प्रोसीजर सेम होता है, तुम्हें पता ही है, तो वो बहुत ज़्यादा ना मतलब बोरिंग हो जाएगा मेरे हिसाब से सेम चीज़ बताते हुए। तो एक ही हम टीरेक्स को टेम करेंगे, दूसरे को मैं ऑफलाइन ही उठा कर लेकर आ जाऊँगा। बट स्टील 6 बुलेट ही बन रही है, और ऐसे क्यों इतना सारा? तो मैं माल बना रहा हूँ यार, मतलब दे रहा हूँ उसको, गन पाउडर की ही कमी हो रही है यार बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है, जो भी राइफल बुलेट आ गई है वो इन्वेंट्री में तो रख लेते हैं, कम से कम 20 आई है ना, 20 से जितना भी होगा कर लेते हैं, बाकी क्या ट्रैंक एरो से काम चला लेंगे हम। और जो मेरे पास में एक क्रॉसबो टूटी हुई है उसको मैं ना रिपेयर कर लेता हूँ, रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फाइबर लगेगा इसको रिपेयर करने के लिए। फाइबर तो होगा ना अपने पास, क्या नहीं? फाइबर तो होना चाहिए यार, फाइबर तो बहुत है मेरे पास में रखा हुआ।
यस देखो 300 फाइबर इधर पड़ा हुआ है, 300 फाइबर के अंदर तो ये इजीली रिपेयर हो जाएगी। अब आई गेस ये यस रिपेयर हो गई, ये भी जो टूटी हुई है इसको भी हो जाएगा, जितना सामान है अपने पास में ना हो जाएगा, दोनों के दोनों रेडी हो गए। वेरी नाइस। चलो मैं ना पहले ताइला कोलियो को सोच रहा हूँ जमीन पर उतार करना, वहाँ का हर एक चीज क्लियर कर दूँ, फिर उसके बाद में टेम करूँगा, क्योंकि टेम एक बार हो जाएगा वो बेहोश हो जाएगा। बट बेहोश होने के बाद में ना आसपास के जो डायनासोर्स है, दूसरे लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करेंगे। और अभी मैं सिर्फ एक ही रेक्स को टेम करूँगा, उसके बाद में फिर 220 लेवल वाले को टेम करेंगे, क्योंकि उसके लिए अपने को और काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ करना पड़ेगी। मेरे प्यारे टीरेक्स, मैं आ गया सारी सामग्री लेकर, चला जा मेरे पास निब्बे कमाल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कूटने के दिन नज़दीक आ रहे हैं। वेरी नाइस, इधर ही रहना तुम। आई होप बस पीछे से कोई हम पर हमला ना कर दे, नहीं कर पाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये देखो ट्रैंकुलाइजर डार्ट तो बनाए नहीं, राइफल बनाकर लेके आ गया मैंने। वाह मुन्ना वाह, नूबता की भी हद होती है, मेरे जैसा खतरनाक नूब तुम्हें पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में नहीं मिलने वाला। 100 नारकोटिक रख दूंगा, 100 तो सफिशियंट हो जाएगा 20 की। भाई चलो डार्ट बनना चालू हो गए हैं। एक्सेप्शनल केबल मेरे पास में ऑलरेडी रेडी है, एक्सपी पोशन मेरे पास में रेडी है, 2 क्रिस्टल बॉल भी रेडी है, दोनों को ट्रक कर लाने के लिए। बाकी जो बिहाइंड द सीन है वो हर एक चीज़ मैंने पहले से ही रेडी करके रख लिया हूँ, बस ये बुलेट बनाने का अभी जस्ट एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए बैठे तो मेरे दिमाग के अंदर आया कि मतलब चलो ठीक है इससे भी हम अपना काम कर लेंगे। हो गया कंप्लीट, लेट्स गो। कहा गया छपरी निब्बे मैं आ गया हूँ, वेयर आर यू यार। नीचे अल्फा रैप्टर और ये सारे दिखे मेरे को। कहा गया ये, अभी तो यहीं था ना, है कहाँ खो गया। बिच्छू भी है, देखो बिच्छू डंक मार रहा है पत्थर वाले डायनो को, बट जब तक रैक्स जिंदा रहेगा तो टेंशन नहीं रहेगा, वो खुद ही सबको दौड़ा दौड़ा के। कौन आ, अरे भाई ये देखो ये इधर छुपके से आ रहा था छुपके से आ रहा था, है छुपके से आ रहा था बता। अरे अरे भाई, अरे पहाड़ी पे चढ़ लिया ये तो, ये पहाड़ी पे कब से चढ़ने लग गया। नहीं, ये अगर बेहोश होगा पहाड़ी पर होगा तो ज़्यादा बेटर है, इधर से नहीं चढ़ पाएगा अब स्ट्रीट में ना। नहीं नहीं चढ़ पाएगा, मेरे को पता ही नहीं चढ़ पाएगा। यस ये बहुत सही जगह पर आकर रुक गया है, मेरे को फटाफट से अपनी बंदूक लगानी है, बंदूक के अंदर लगाना है ट्रैंक डार्ट, करना है बंदूक को रिलोड। आ जा, कहाँ है कहाँ है, इधर है ना, वेस्ट तो नहीं कर सकता मैं ये। एक दो और 26, अरे यार ये तो 26 का, उससे अच्छा तो मेरी एरो थी। कहाँ जा रहा है, एक काम कर चल, तू अभी से भाग रहा है, हैं अच्छा घूम के आ रहा होगा, इसने इजी ले लिया मेरे को। एरेक्स कहाँ जा रहा है, पागल हो गया क्या, अरे पागल तू अभी बेहोशी नहीं हुआ तरीके से, जा रहा कहाँ है, वेर आर यू गोइंग ब्रदर, क्या हो गया इसको, हैं इसने मेरे को इजी ले लिया। अरे ए ये क्या सीन है, मतलब व्हाट क्या हो गया। ओके आप देखा क्या यार, ये क्या दिक्कत हो गई है, ये क्या दिक्कत हुई मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये क्यों कोई खतरनाक डायनासोर तो नहीं आ गया यहाँ पर है, टीरेक्स को मार रहा है ये, दोनों हाथी मिलकर टीरेक्स को लड़ रहे हैं, टीरेक्स उनकी बजा रहा है बैंड, जब तक मैं कर देता हूँ इनका कैंड। आसपास कोई खतरा, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर कुछ और खतरनाक चीज़ हुई जिससे टीरेक्स की फट गई है, ऐसा क्या हुआ है। चलो ठीक है जो भी हुआ हो यार, ये सताते रहेंगे, बट चलो हो जाएगा कांड हो जाएगा। ये मेरे पीछे क्यों नहीं पड़ रहा, क्या हो गया इसको, ऐसा तो मैंने कुछ सेटिंग के अंदर छेड़छाड़ नहीं किया हूँ, जैसे ओरिजिनल सेटिंग है वही रहने दिया हूँ मैंने। आर यू कमिंग, ओके ओके आ जा ओके आ जा कम यार। अरे यार समझ नहीं आ रहा मेरे को ये क्या हुआ है, कि वाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन मी ब्रदर।
ब्रदर व्हाट हैपेंड? बस कुछ भी कर, तू उसके पास मत जाना, तू 220 वाले के नज़दीक नहीं जाना यार, तू 220 वाले के नज़दीक मत जा बस, इट्स अ रिक्वेस्ट। इधर को मुंह के सामने, मुंह के सामने हूँ मैं इसके, टांगों में घूमता रहता हूँ ना इसके। अरे यार ये पहली बार इतना आसान हो रहा है, ये टीरेक्स को टेम कर रहा हूँ मैं, क्या मैं टीरेक्स को टेम कर रहा हूँ? क्यों तेरा मूड क्यों नहीं है? तू मुझसे प्यार नहीं करता? देखो मैं खड़े हो गया हूँ नॉर्मली, बुलेट खत्म हो गई, नो एमोस। व्हाट जस्ट हैपन हैं, क्या हुआ है ऐसे, बता तो सही। गर्लफ्रेंड छोड़ दी यार, मेरे को मूड में नहीं लग रहा है आज। ये देखो 35 का ये दे रहा खामा का, उसके ऊपर मेहनत कर रहा था मैं। इधर को आ, यस दहाड़ दहाड़, ओके अब मूड में आया है क्या? कुछ ग्लिच हो गया था क्या इसका? ओके ओके ओके, आजा आजा झाड़ियों में, झाड़ियों में। ओह शिट भाई, हेल्थ हेल्थ की लग गई, हेल्थ की लग गई। आजा 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 आजा, कम हियर कम हियर कम हियर कम हियर कम हियर, वेरी नाइस, कम हियर कम हियर। पता नहीं आज कुछ अजीब मूड। ओके 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 ओके, आजा इधर खड़ी चट्टान पे, आजा 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 खड़ी चट्टान पे, आजा, नहीं आ पाएगा अब, नहीं आ पाएगा, ऐसे ही खड़ा रहे। पता नहीं आज क्या दिक्कत हो गई इसको, आज आ क्यों नहीं रहा है। मेरा क्रॉसबो गन से इतना पावरफुल कैसे क्या है? क्रॉसबो के अंदर तो कुछ ऐसा अपग्रेडेड नहीं किया हूँ मैंने, नॉर्मल जो अपनी क्रॉसबो है वही क्रॉसबो है। 80 ट्रैंकलाइजर डार्ट में क्या ये टेम हो जाएगा? मेरे को नहीं लगता, बट लग भी रहा है नहीं भी लग रहा है, कन्फ्यूज हूँ मैं खुद। इसके दहाड़ने से अभी पता है, अगर टैक्स सूट नहीं होता तो मेरी हड्डी टूट जाती। ओके तू यार आजा मेरे साथ पहाड़ी पे, आजा तेरे को बताता हूँ मैं, तू आजा पहाड़ी पे, आजा 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 आजा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आता जा ऐसी, आजा 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 आजा, आएगा नहीं आ पाएगा यार, इधर थोड़ी सी खड़ी चट्टान आ गई है। चलो ठीक है, कितनी हिम्मत आ गई टीरेक्स की, हमने कुछ इज्जत ही नहीं रखी। ओके बस ऐसी रो, मुँह के सामने तो ये जाएगा नहीं, ऐसे रहेंगे हम इसके, ठीक है हो जाएगा। बस ये भागे ना, थोड़ा सा टॉर्पर इसका जब खतरनाक हिट होने लग जाएगा ना तो ये भाग जाएगा। मारता रहे मारता रहे मारता रहे, पता नहीं कितने डार्ट्स और लगेंगे। व्हाट व्हाट व्हाट, काहे तिल मिला रहा है यहाँ से वहाँ, रुक जाए एक जगह, जब तुझे टेम होना ही है तू कुछ भी कर ले, तुझे टेम होना ही है, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, यू डोंट उखाड़ सकता मी एनीथिंग। बस क्रॉसबो साथ दे, क्रॉसबो खराब हो गई है ऑलमोस्ट, आधी खराब हो गई है पूरी की पूरी। चलता रहे ऐसी चलता रहे ऐसी चलता रहे ऐसी, ये देखो भाग रहा है, देखो भाग रहा है, अभी से भागने लग गए हो है। आया, क्यों भाग रहा है क्यों भाग रहा है इतनी जल्दी, कांप काहे रहा है, हैं कांप काहे रहा है साले। Come here T-Rex, बच्चा T-Rex, तुम्हें आइलैंड वाली सीरीज याद है? हमें पूरा लोहे का इतना मतलब बड़ा ट्रैप बिछाना पड़ता था पहले सिर्फ इस रैक्स को टेम करने के लिए, और उसे बेहोश मतलब बड़ा सा लोहे वाला एक ट्रैप बनाना पड़ता था, फिर एक वो भी बनाना पड़ता था जिसके अंदर टी रैक्स का पैर फंस जाए, और फिर वो फंस जाता था, फिर हम उसे वहाँ पर फंसा कर मारते थे। बट टैक्स सूट ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है, ला 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 ला, तू जाने वाला है 12,000 का टॉर्प और हिट हो गया है, तू जाने वाला है। पहाड़ी पर जा रहा है, जाता जा जाता जा जाता जा,
यू गो ऑन पहाड़ी आई कम ऑन पहाड़ी, यू गो अंडरग्राउंड आई गो अंडरग्राउंड, यू गो ऑन स्काई आई गो ऑन स्काई। 13,000 फाइनली 13,000। ऐसे ही रहे। भक्त जा, अरे भेड़ियों के पास कहाँ जा रहा है, भेड़ियों के वहाँ कहाँ जा रहा है, रुक जा, गंदे भेड़िए वहाँ पर छू लेंगे, काट लेंगे तेरे को, मत जा। ये देखो, देख लिए मनहूस लोगों ने, अब वो मेरा ऊ करके पीछे पड़े रहेंगे। प्लीज भेड़िए लोग, तुम मुझे भूल जाओ प्लीज। आ रहे क्या, तुमको बताऊंगा मैं मेरा ताइला कोलियो बाहर निकालने के बाद, एक बार मेरा रैक्स बेहोश हो जाए ना उसके बाद फैसला होगा फिर। तुम खाली रुको जाओ, तुम्हारी मैं पूरी बारात निकालूंगा डेडिकेटेड, वो भी ठीक है, तुम लोग की पूरी डेडिकेटेड बारात आएगी। तू कहाँ भाग रहा है, कहाँ, जब तुझे पता है तेरा फैसला हो चुका है। अरे भाई 22 एरोज बचे मेरे पास में सिर्फ, तो अब रिस्क नहीं ले सकता मैं। वी हैव ओनली 822। यार ये क्या चोक दे रहा भाई, मेरे पास ज़्यादा एरोज नहीं है, मैं वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। ये दौड़ रहा है अभी, बाद में ना गायब हो जाएगा। पड़ी। यस 15,000, एक दो शॉट और। यस वेरी नाइस। ऐसी फंसा हुआ है पेड़ में फंसा हुआ है, मैं तेरे को बताऊंगा, बस फंसा हुआ है तू। यस फाइनली टेम हो गया ना, चलो ठीक है, यहाँ पर आने का, ठीक है, इधर आने का, ताइला कोलियो को निकालने का, ठीक है, इसके ऊपर बैठने का और सीधा सबकी बैंड बजाने का। कहाँ भाग रहे हैं, चल दे दे सामान, दे तेरे पास से, इस तेरी इन्वेंट्री में कुछ नहीं ना। और भाई काइटिन दे दे तू, पहले जंग के बीच में काइटिन दे दे मेरे को। और कोई है यहाँ पर, कोई है बताओ, बिछुए कम यार। अरे शेट 108 का डैमेज। भाई तेरी हेल्थ, अरे कि दे रहा है भाई ये मेरे को। आ तू नजदीक आ, मर्दों के जैसा आ जा, देखा जाएगा, जब देखा जाएगा। अरे 108 का डैमेज, अरे उधर मत जा, उधर और भेड़िए है पागल, उधर और भेड़िए। अरे देख लिए मनहूस ने, गया। अरे हट जाओ, अरे शेट, भाग, पूरे मिल के हमला कर रहे, भाग। कारनो भी उधर दौड़ता रहे, घूम के आ जाएंगे हम वापस इधर अपनी जगह पर। हेल्थ कम होगी क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा, दौड़ता रहे, वेरी नाइस। अरे पहाड़ी के कोने पर आ गया हूँ मैं, बॉर्डर पर, आ रहे के पीछे, इधर आओ मैं तुमको डॉज कर दूंगा, आ जाओ। अरे दाई, पहाड़ी पर चढ़, पहाड़ी पर, मार देंगे ये लोग तेरे को। हाँ बस उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। हाँ चढ़ जा, वेरी नाइस। उनको देरी रहने देंगे, जहाँ पर बेहोश किया था मैंने वहीं, वो लोग आई गेस नहीं चढ़ सकते। अरे भाई इसकी इसकी तैसी, ये कहाँ से टपक गया यहाँ पर। ताइला कोलियो इन्वेंट्री में आ जा भाई, तेरा यहाँ पर, ओके, तेरा यहाँ पर ना बहुत मुश्किल कर देंगे ये लोग, ठीक है। ताइला कोलियो इन्वेंट्री के अंदर आ जा, मैं मर गया चलता है, मेरे ताइला कोलियो को कुछ नहीं होना भाई, मैं मर गया चलेगा। आया क्या इधर को,
इधर को आजा 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 आजा, भाग गया डर के। चलो भाग गया डर के, मेरे को बस इसकी इन्वेंटरी में मीट रखना है, मीट नहीं नारकोटिक रख दिया, एक्सेप्शनल केबल ट्रांसफर एक दो। ओके ओके, बाय 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 बाय, गंदा सीन गंदा सीन। दोनों चीज़ें रख दिया, बस मेरे को एक वो करना है, इधर आ जाओ मैं एक बारी। हाँ चलो, अब यहाँ पर कम से कम मैं अपने वेपन सेट कर सकता हूँ। कहा है मेरी अनलिमिटेड वाली स्पीयर, ये रही ना, वेरी नाइस। टेंशन हो गया ख़त्म ऑलमोस्ट। चलाओ अब आओ, अब आओ बारी बारी आओ, कायदे से आना बेटा, कायदे से आना, ठीक है कायदे से आना। आजा तेरे को बताता हूँ मैं, कम यार इधर आ, आजा कहाँ पर है। हाँ दौड़ता दौड़ता, अरे ये तो पीछे ही थे मेरे, ये तो पीछे ही थे पूरी की पूरी फौज। ए ओके, ए ओके, ए ओके, तुमको पहाड़ी से गिराता हूँ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, कम यार तुमको पहाड़ी से नीचे गिरा दूंगा। वो रैक्स को भी मैं दू, और अरे 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 आओ आओ आओ, सारे के सारे आओ, ख़त्म। चलो बाय बाय टाटा। रैप्टर कोई भी जगह वहाँ से खाली कर देता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा नहीं इंटेंस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ही नहीं, कुछ कुछ ज़्यादा ही इंटेंस लग रहा है मेरे को आज का एपिसोड। अल्फा रैक्स कम यार, मेरे प्यारे मुन्ना कम यार, आजा 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 आजा, गया गया ना। हाँ चल निकल तुझे, अब टेंशन नहीं है, अब टेंशन नहीं है। इधर इतनी झाड़ी है ना कि समझ में नहीं आ रहा कौन किधर है, मैं सिर्फ साउंड के ऊपर काम कर रहा हूँ। इले नारकोटिक खा, बेहोश रह बेहोश रह बेहोश रह बेहोश रह। दो एक्सेप्शनल केबल काफ़ी हो गए ना इसको, नहीं तीन लगेंगे। चल ठीक है दो तो खा ले तू, एक मेरे पास में है। इले ट्रांसफ़र तीन तीन बस है, पहले दो बता रहा था अब तीन लग रहे, कोई बात नहीं। इफेक्टिवनेस 79% है इसकी। इले नारकोटिक खा, भर भर के, मेरे पास बहुत सारा ऑलरेडी नारकोटिक है तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। अब फटाफट से ना इसको टेम करते हैं भाई, बस दिक्कतें ना आए सामने। टाइम टू टाइम मैं हवा में उड़ता रहूँगा या फिर ना ये वाली पहाड़ी पर जाकर बैठ जाता हूँ। टाइम टू टाइम जो भी रहेगा मैं आ जाऊँगा, इसका इसका टॉर्पर वगैरह ना वो मैं बढ़ा दूँगा। फ़िलहाल के लिए काम करते हैं, इसकी इन्वेंट्री में ना मीट वगैरह वो भी रख देता हूँ, जिससे इसकी हेल्थ फुल होती रहेगी, है ना। हेल्थ भी फुल करता रहे तू अपना, मैं जाकर इंतजार करता हूँ अब तेरा। A few moments later. तो फाइनली हमारा टीरेक्स टेम हो चुका है, सुबह से शाम हो चुकी है, इसको मीट खिलाते खिलाते और नारकोटिक खिलाते खिलाते फाइनली हमारा मुन्ना रेडी हो चुका है। इसकी लेवल सीधा 230 की लेवल हो गई, हेलो 223 लेवल हो गई है इसकी। क्या पड़ा हुआ है स्टील, इतना सारा मीट बचा हुआ है क्या, दे दो दे दो। मैंने ना बहुत सारा मीट खिलाया ताकि इसकी हेल्थ रिकवर कर लूँ। अभी तो शाम हो गई है तो दूसरे टीरेक्स को टेम करना वर्थ नहीं होगा, बस जाते जाते ना उसकी मैं लोकेशन एक बार चेक कर लेता हूँ कि वो है कहाँ पर। यहाँ पर कुछ तो दिख रहा है, कार्नो 112 लेवल का। यार वो दूसरा वाला भी मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, यहीं पर तो घूम रहा था। ये भेड़ियों ने और वो दूसरे वाले डायनासोर ने रैप्टर ने वो लोग ने ना भाई बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए थे। वो तो हमारे पास में टैक सूट है, इसीलिए अपने को इसको टेम करना ना मतलब एकदम हलवे के जैसा हमने टेम कर लिया, वरना ऐसी लोकेशन पर टेम करना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है, मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि इतने ख़तरनाक डायनोज हैं, हम किस किस से बचेंगे और किस किस की तैयारी करके आएंगे। यार यहीं पर तो देखा था मैंने उस टीरेक्स को 220 लेवल वाले को, पता नहीं कहाँ चला गया। सार्को की 1500 है, रेगुलर केबल लगेगा, सार्को भी हो जाएगा अपना। मेरा रैक्स कहाँ है, रैक्स को टेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी 220 लेवल है। वो 220 लेवल का एक बार अपने हाथ में आ गया ना तो समझ लो बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी अपने लिए। क्या ये तायला कोलियो, आर तायला कोलियो 48 लेवल का, मेरे को ना आज अपना तायला कोलियो ना काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लगा भाई। बट एक्चुअल सेटिंग में खेल रहे हैं इसीलिए, और इसके अंदर थोड़ा इंटेंस भी हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पहले ऐसा था कि हमारी इतनी ज़्यादा शक्ति थी कि हम किसी से भी भिड़ जा रहे थे और किसी की भी ईजीली बैंड बजा रहे थे। यस ये रहा खड़ा हुआ वो इस लोकेशन पर, इधर ही रह तू इधर ही रह, बहुत सही लोकेशन पर है,
बस यहाँ पर एक अल्फा रैप्टर है जिसको मैं भगा दूंगा, टेंशन नहीं है उसका। अरे तो नज़दीक ही था, मैं खामा का इतना ज़्यादा घूम के आया, तू यहीं पर खेलता रहे ठीक है। क्या इसको मैं अपने घर के पास तक लेकर चला जाऊँ, पीछे 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 पीछे, बट उसको पीछे लेकर जाने में ना ये इतने सारे भेड़िए ये दिक्कत देगी। चलो ठीक है, अब कल सुबह होने के बाद में ही हम आते उसको टेम करने के लिए। और मैं क्रॉसबो से ही टेम कर रहा हूँ, स्नाइपर राइफल से कुछ टेम नहीं कर रहा मैं, इतना कम पावर वाली राइफल है भाई वो, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। 25-25 का डैमेज पड़ रहा है उसको। उसको जब हम अपग्रेड कर लेंगे, थोड़ी असेंडेंट वसेंडेंट कर लेंगे ना हाई लेवल की, तब जाकर मज़ा आएगा। फिलहाल में तो कुछ इतना खास नहीं है। मेरे बच्चे लोग, मैंने तुम्हारे लिए नया भाई लाया हूँ। पहले तो इसकी हेल्थ फुल कर लो भाई, इसकी हेल्थ की वाट लगी हुई है तेरी इन्वेंटरी में, काला रख देता हूँ। खा पी और हट्टा कट्टा मस्त ठंडा हो जा, तेरी पावर और मिली डैमेज ना और बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। मेरे बच्चे लोग देखो कौन आया है नया सदस्य, इसका नाम क्या रखना है तुम लोग कमेंट करके बताना। इसका तो मैंने अपने हिसाब से रख दिया था ज्वाला, अब इसका क्या नाम रखना है प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। 8800 इसकी हेल्थ है, इसकी है 9600। इसको तो भाई इसके इसमें इन्वेंट्री में ना काम कर देते हैं। एले एक्सपीरियंस पोशन खाता रहे यार, एक केबल पड़ा हुआ है। एक चीज़ अच्छी हुई है, बिच्छू लोग को मार कर हमने को बहुत सारा काइटिन मिल गया। तू खाता रहे, तेरा लेवल अप होता रहेगा, मैं थोड़ी देर के अंदर आकर तुझसे मिलता हूँ। मेविंग को हटा देता हूँ ना मैं यहाँ से, ये बहुत खामा खा का रश हो रहा है इधर साइड में। एक में एक घुस मत जाओ। टी रेक्स का सैडल अभी तक अनलॉक नहीं हुआ, बट टी रेक्स हमारे पास में आ गया है, वेरी नाइस। चलो ठीक है, अब मैं रात भर में ना तैयारी कर लेता हूँ मेरे को क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है वहाँ पर। पहले तो इन्वेंट्री खाली कर दूंगा पूरी, बहुत सारा मीट है इन्वेंट्री में, थोड़ा बहुत ही मीट है, बाकी तो स्पॉइल्ड मीट वगैरह वही सारी चीज़ें। काम करता हूँ बच्चा कुचा मीट नहीं यार, मेरे को उसको टेम करने नहीं लगेगा क्योंकि एक्सेप्शनल केबल लेकर जाऊँगा ना, तो दिक्कत नहीं है। एले स्पॉइल्ड मीट पत्थर क्यों रख रहा हूँ, चलो पत्थर भी रख देता हूँ इधर। ये हो गया, थोड़ा बहुत मेटल पड़ा हुआ है, काइटिन को इधर ही घर छोड़कर चले जाएंगे हम। बाकी और कोई चीज़ का नीड है ना, तेरा एरोज है, एरोज का और जुगाड़ करना पड़ेगा अपने को। Early the next morning. ला 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 ला, हमने एक और रेक्स टेम कर लिया काफी ज्यादा आसानी से। इसकी अब लेवल हो चुकी है 330, ये पहले 220 लेवल का था। बट कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, तुम्हें एक चीज बता। इन्वेंट्री में आ जाओ, इन्वेंट्री में आ जाओ, इन्वेंट्री में आ जाओ, मार 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 उसको मार। अरे ये यार ये क्या इंटेंस फाइट हो गई, मेरे रैक्स को खत्म ना कर दे। अरे शिट, बच गया। मेरे रैक्स की बैंड बजा दी थी, ये लोग इतने ज्यादा कैसे शक्तिमान हो गए, भीड़ ये लोग इतना बुरा बुरा मार रहे हैं। बट कहानी की शुरुआत अब हुई है, कहानी अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले रात को रिसोर्सेज ढूंढते ढूंढते एक आर गीगा को देखा हूँ, ठीक है, एक आर गीगा, और मैं अभी तुम्हें उस लोकेशन पर लेकर जाऊँगा। बट पहले अपने नए वाले रैक्स को घर छोड़ देते, अभी ये रैक्स आते ख़त्म भी हो जाता भाई, तुरंत में फिनिश भी हो जाता। इतने सारे मिलकर उसको अटैक कर रहे, रैक्स की कोई इज्जत ही नहीं बची। हेलो, कुछ करना पड़ेगा रैक्स का ना, पावर बढ़ाना पड़ेगा उसको ना, लेवल अप करना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा, खिलाना पिलाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ, अगर अभी तक तुमने लाइक का बटन नहीं दबाया है ना, तो प्लीज़ 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 लाइक का बटन दबा दो, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही बड़ी बड़ी गेम प्लेस लाता रहता हूँ, तुम्हें पता ही है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे रैक्स, तू यहीं पर रुक जा यार, तेरी इन्वेंट्री के अंदर बहुत सारा मीट मैंने रखा था, वो वहीं पर छूट गया है। क्या किया जाए, तेरी एक हेल्थ, एक स्टेमिना, एक मिली डैमेज, मैं तेरे लिए खाने का प्रबंध करता हूँ। रेक्स, वो तेरे पास कुछ है खाना, थोड़ा सा कम है ना खाना, आजा बैठ जाए इसके ऊपर, अब भी करेंगे हम खाने का जुगाड़। डोडो प्लीज़ गिव मी सम मीट, ए डियर प्लीज़ गिव मी सम मीट, दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं नहीं मानना चाहता था बट मर गया तू, सॉरी सॉरी सॉरी। कहाँ भाग के जा रहा है, कहाँ जा रहा है, चलो ठीक है वो तो भाग गया, तुम लोग इधर आ जाओ, तुम तो नहीं भाग सकते ना, तुम तो नहीं भाग सकते। मेरे को लग रहा है ना मैंने सेटिंग उल्टा कम कर दिया हूँ, मैंने दूसरे डायनोस को पावरफुल कर दिया हूँ और मैंने खुद को अपने आप को कमज़ोर कर दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना मीट चल तू थोड़ा सा खा, बाकी का मैं अपने नए सदस्यों को देता हूँ, ठीक है। अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ उस आर गीगा को दिखाने के लिए, जो कि है कुछ इस लोकेशन पर।
अपने घर से ना बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बहुत ज़्यादा। जस्ट इमेजिन अगर वो अपने घर आ गया, ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? मैं बताऊँ पर्सनली मेरे को क्या लगता है, हमारा एक भी डायनो नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि उसकी लेवल पता है कितनी है, 102। उसकी हेल्थ है 80,000, 90,000 कुछ। यार यही तो था, कहाँ गया? हेलो प्यारे गिगांटोसोर, ये रहा आर कीगा। 80,000 हेल्थ है, 70,000 तो टॉर्पोर है। इसको टेम करने के लिए ना मेरे को बहुत ज़्यादा तैयारी करके लाना पड़ेगी। 3-4 गन्स लगेगी, बहुत सारे ट्रैंकुलाइजर डार्ट लगेंगे, और गन्स भी कौन सी असेंडेंट वाली, सादी सीधी नकली गन्नी। टैक्स ट्रेडर बहुत हीरो बनता है ना तू, एले तेरे पापा आ गए तेरे बाजू। मैं यहाँ पर ना रिसोर्सेज ऐसी मतलब टाइम पास कर रहा था, यहाँ से वहाँ घूम रहा था, और एक चीज़ मेरे पास एरो देख रहे हो कितनी बची है, सिर्फ और सिर्फ 2 एरोस। ये आर गीगा को टेम करना है, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। जहाँ तक मेरा ख्याल है ऐसे एक आर गीगा को ना मैंने टेम किया हूँ फ्योडोर मैप की सीरीज़ के अंदर, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है गीगा तो मैंने उसमें टेम किया था, बट उसका कलर यही था या फिर ऐसे ही शेड के अंदर कोई और कलर था क्या पता। खैर अभी चलते हैं हम अपने घर, मेरे को ना अपने सारे रेक्सेस को रेडी करना पड़ेगा गीगा से मिलाने के लिए, बट अभी नहीं, एक बाइट के अंदर मेरे सारे रेक्सेस खा जाएगा। तो प्लीज़ तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताओ अब ये 313 लेवल वाले रेक्स का नाम क्या रखा जाए, और ये 223 लेवल वाले रेक्स का नाम क्या रखा जाए, ठीक है। तो यस, ये था आज का घमासान युद्ध भरा एपिसोड। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, नए आए हो चैनल पे, एंजॉय किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे बड़े बड़े गेम प्लेज लाता रहता हूँ। अभी और भी नए नए गेम प्लेज चैनल पर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगले एपिसोड में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।